हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज आपको हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पत्र लेखन लिखना सिखाएंगे। स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। बच्चों, आपके पिताजी को अगर मान लीजिए कहीं दूसरी जगह में ट्रांसफ़र हो गया है और आपको वहां का स्कूल में पढ़ना है, तो आपको जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो स्कूल से लेना है प्रिंसिपल से, तो आपको किस तरह से ये एप्लीकेशन लिखने होगा उसको हम हिंदी में सिखाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम आपको सिखाते हैं, इसमें हम हिंदी में सिखाएंगे। अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए तो आप अगर कमेंट करके बोलेंगे तो हम ज़रूर उसको भी लिख देंगे। तो चलिए, आज का वीडियो में हम आपको हिंदी में सिखाते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है ऊपर में सेवा में, सेवा में प्राचार्य महोदय, प्राचार्य महोदय। उसके बाद आपको उसके नीचे अपना स्कूल का नाम को लिख देना है, अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, स्कूल का नाम, स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, अपना स्कूल का नाम और स्कूल का पता, जहाँ पर आपका स्कूल है उस जगह का नाम यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ करके यहाँ विषय लिख दीजिएगा। विषय लिखिएगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु। उसके बाद फिर और एक लाइन आप छोड़ दीजिएगा नीचे से और यहाँ से शुरू कीजिएगा महोदय, महोदय सविनय निवेदन उसका नीचे से लिखिएगा, सविनय निवेदन यह है कि मेरे पिताजी की स्थानांतरण या बदली भी आप लिख सकते हो, पटना हो गई है, जहाँ पर आपका पिताजी का ट्रांसफ़र हो रहा है उस जगह का नाम आपको यहाँ लिखना है। हम यहाँ पर पटना लिख दिए हैं, लेकिन आपको वहाँ पर पटना नहीं लिखना है, आपके पिताजी का जहाँ पर बदली हो रहा है, ट्रांसफ़र जहाँ पर हो रहा है उस जगह का नाम आपको यहाँ लिखना है, हो गई है। इसलिए यहाँ पर अपनी पढ़ाई जारी रखना मेरे लिए असंभव है,
असंभव है। अब मैं वहीं रहकर अपना पढ़ाई जारी रखूंगा। अतः पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, अतः मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। उसके बाद लिखिएगा धन्यवाद। यहाँ पर आप दिनांक लिख दीजिएगा, यहाँ आपको दिनांक लिख देना है, और इधर लिख दीजिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र। अगर लड़का है, आप अगर लड़के हो तो आप यहाँ छात्र लिखोगे, और अगर आप लड़की हैं तो यहाँ छात्रा लिखना है, या फिर आप शिष्य, लड़का है तो शिष्य और लड़की है तो आप शिष्या लिख सकते हो। और फिर यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिएगा, और यहाँ पर आप अपना वर्ग यानी कक्षा लिख दीजिएगा, और यहाँ पर क्रमांक यानी रोल नंबर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, और नीचे यहाँ पर आपको अपना पेरेंट्स का सिग्नेचर यहाँ पर करा लेना है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इंग्लिश में चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि अगर उसको ज़रूरत है तो वो भी इससे सीख सके। और अगर बच्चों आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।